लोकसभा का चुनाव शुरू होने से ठीक मेरे ख्याल से, हाँ 10-12 दिन पहले, 12 दिन पहले शायद, 1 अप्रैल को थी या 2 अप्रैल को, एक वेब सीरीज रिलीज हुई ओटीटी पे, और वो बालाकोट पे बनी थी। बालाकोट पे की रणनीति बनी है, मुझसे लोगों का बनी है, बालाकोट स्ट्राइक पे बनी है, एयर स्ट्राइक पे, देखिएगा। मैं मनीष जी इसको मैंने रात में देखना शुरू किया, मैं पूरी रात देखा मैंने इसको, और जिन दर्शकों ने देखा होगा पता नहीं उन्होंने उस एंगल को पकड़ा कि नहीं पकड़ा। मनीष जी उस पूरी वेब सीरीज को अगर आप देख लीजिए तो आपको, वो वेब सीरीज नहीं है, वो वेब सीरीज एक एम के तहत बनाई गई है, एक उद्देश्य के तहत बनाई गई है। और जरा मैं कहूंगा कि पीएमओ के, अगर प्रधानमंत्री मोदी की छवि को लेकर थोड़ा बहुत सजग है, पीएमओ में जो टीम बैठती है उसने ना देखी हो तो एक बार उसको जरा दोबारा उसका रिव्यू कर लेगा, उस वेब सीरीज का जो बालाकोट एयर स्ट्राइक पे बनी है, सारा घटनाक्रम वही है मनीष जी, कहीं कुछ गलत नहीं है कि वो ऐसा हुआ ऐसा हुआ, पुलवामा में हमला हुआ उसके बाद उन्होंने जाके वहां बम गिरा दी, सब है। लेकिन उस पूरी सीरीज में जो मनीष जी जो प्रधानमंत्री दिखाया गया है, वो बड़ा डरा हुआ दबा हुआ, उसके दिमाग में कुछ नहीं, घबराया हुआ कि अरे क्या होगा कैसे होगा, ये परमिशन कैसे दे दूं, वो परमिशन कैसे दे दूं, और उसका जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है यानी अजीत डोवाल, वो बड़ा कंफ्यूज है, उसकी भी समझ में कुछ नहीं आ रहा, और एक अज्ञात कोई आदमी है वो जिसका मेन रोल उसमें है, कि वही पूरी हिम्मत करके यहाँ से पाकिस्तान भी फांदा जा रहा है, हिंदुस्तान में भी सारे अरेंजमेंट कर रहा है। यानी उस पूरी सीरीज को देखने के बाद जिसको ज्यादा तमीज नहीं है तो वो ये सोचेगा कि भारत का प्रधानमंत्री जो उस समय था वो कोई बड़ा सामान्य सा आदमी था जो एकदम से घबरा गया, दहल गया, उसकी उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी, और वो जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार था वो भी कंफ्यूज था, और वो एक अज्ञात जिसके बारे में कोई, जिसका कोई परिचय नहीं है, उसी ने पूरा ऑपरेशन निपटा डाला, वो कौन है। तो मनीष जी जरा ये बता रहा हूं कि ये इकोसिस्टम कितना महीन काम लगाता है, कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री संसद के अंदर खड़े होकर कह रहा कि हमारे एयरफोर्स की टांगे कांप रही थी, माथे पे पसीना था, विदेश मंत्री और हमारे आर्मी चीफ थी, तो वो किसकी बदौलत थी। अब ये था कि अगर नहीं छोड़ा अभिनंदन को तो 9 बजे रात में पाकिस्तान पर भारत हमला कर देगा, ये तो पाकिस्तान कह रहा है और पूरी दुनिया की रिपोर्टें कह रही हैं, और उस वेब सीरीज में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को इतना डरा हुआ और कंफ्यूज दिखाया कि उसका कुछ सूझ नहीं रहा था, वो तो वो आ गया एक अज्ञात पता नहीं कहाँ से खुफिया विभाग का आदमी जिसने सब इधर से लेकर उधर तक सब एक कर दिया। तो याद करिए कि राहुल गांधी ने कहा था कि मैं प्रधानमंत्री मोदी की छवि को ध्वस्त कर दूंगा, तो वो एक मसालेदार वेब सीरीज में किस तरह से बड़े बड़े शातिर तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को, यानी जो उनके जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय था, पूरी दुनिया में चर्चा हुई और सिर्फ नरेंद्र मोदी की चर्चा हुई, और उस पूरे घटनाक्रम से कैसे गायब कर दिया जाता है, कैसे मिटाया जाता है, ये मनीष जी वो वेब सीरीज इसका उदाहरण है। ये होता है इकोसिस्टम, ये सनसनीबाज माइक लेकर घूम रहा है, ये इकोसिस्टम नहीं है कि किस तरह से आपको इतिहास के पन्नों से अलग कर दिया जाए, इतिहास के पन्नों से गायब कर दिया जाए। जिसने देखा होगा, कुछ दर्शकों ने देखा जरूर होगा क्योंकि उसका बड़ा प्रचार हुआ था, तो कमेंट करके कहें कि मेरी बात से सहमत है कि, क्योंकि मैंने बड़े ध्यान से देखी थी, मुझको बालाकोट स्ट्राइक नहीं देखना था, वो तो जानता था, जब मैंने शुरुआत एक दो एपिसोड देखे, मैंने देखे प्रधानमंत्री की क्या छवि इसमें दिखे, तो प्रधानमंत्री मोदी और NSA अजीत डोवाल दोनों को तमाशा बना के रख दिया गया, 6-7 एपिसोड की यानी करीब 4-5 घंटे की वो वेब सीरीज है। कौन लोग ये बैठते हैं सरकार में, बैठते हैं सिस्टम में बैठते हैं जो इनका रिव्यू करते हैं, इन पे निगाह रखते हैं, इन जरा जिसने वो रणनीति बनी जी बनाई है वो वेब सीरीज, उसको जरा बुलवा लेना चाहिए एजेंसियों को, ये तमाशा तुमने किया, ये देश के प्रधानमंत्री की और देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को इस फिल्म में तुमने जोकर बना के रख दिया, तो मगर कौन पूछेगा। यहाँ पे फिर वही बात आ जाएगी, चमचा शिरोमणि कि बॉलीवुड में कोई बोल ही नहीं सकता, कोई सिस्टम का आदमी तो ना हो, तो क्योंकि अपना रिव्यू होता है तो कहूंगा कि जरा ये बात वहां तक पहुंचे, जरा एक बार उसको देख लीजिए, और उस और वो जरा गौर करिए कि वो चुनाव शुरू होने के ठीक 10-12 दिन 15 दिन पहले, उसकी रिलीज मेरे ख्याल से 1 या 2 अप्रैल थी या 31 मार्च है, मुझे ठीक से याद नहीं। तो ये इकोसिस्टम का एक ये है।